दिमाग को उबाल देने वाली और शरीर को जला देने वाली बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी और तपिश के बीच अब लोगों के लिए एक तरफ राहत की खबर है तो दूसरी ओर सावधान भी रहना होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश को लेकर बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर पर जिन जिलों के नाम हम आपको बताएंगे वहाँ के लोगों को तो और भी सावधान रहना होगा। दूसरी ओर राजधानी पटना में भी मानसून को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। दरअसल बिहार के लोगों को बारिश का इंतजार है और कहा जा रहा है कि अब गर्मी से राहत मिलने वाली है, लेकिन आंधी बारिश और ठनका से सावधान रहना होगा। बारिश तो ठीक है, लेकिन ठनका गिरने से और आंधी गिरने से नुकसान की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 17 तारीख से पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो जाएगा, लेकिन इस बीच राज्य के 19 जिलों में बारिश आंधी और 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। पूरी खबर हम आपको अब विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर खास है, इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दरअसल बिहार में मानसून दस्तक दे चुकी है। मंगलवार की शाम मधेपुरा, मुंगेर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। राज्य के 19 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश और 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून तक मानसून पटना पहुंचेगा, वहीं 17 जून तक पूरे राज्य में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने बताया है कि किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया और शेखपुरा होते हुए 15 जून तक पटना, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी में मानसून दस्तक दे देगा। इसके बाद 16 और 17 जून तक गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर सहित अन्य हिस्से में इसका प्रभाव भी दिखने लगेगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान जिला, सारण जिला, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा जिला, सुपौल और मधेपुरा के अलावा अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश के 9 जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। इसमें पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिला शामिल है। यदि पिछले 24 घंटे की हम बात कर लेते हैं तो 24 घंटे के दौरान भोजपुर और औरंगाबाद जिला सबसे गर्म रहा है। यहां का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पटना का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तो वहीं गया जिले का तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात करें मोतिहारी जिले की तो मोतिहारी का टेम्परेचर 42.8 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा का 41.3 डिग्री सेल्सियस तो वहीं नवादा जिले का टेम्परेचर 41.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके अलावा बात करें नालंदा की तो यहां पर तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आप समझ सकते हैं कि हर जिले की जहां की हम बात कर रहे हैं, जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ रही है, वहां तमाम जगहों पर, तमाम जिलों में टेम्परेचर यानी कि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहा है। लेकिन अब बिहार के 19 जिलों के लिए राहत की भी खबर है और सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक तरफ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है तो दूसरी तरफ आंधी से नुकसान की भी संभावना है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।